कल अमीन के सवालों को लेकर के 12 बजे 11 और 12 के बीच में महात्मा गांधी से निकलेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। 82-44-42 प्रक्रिया, राजस्व एवं भूमि सुधार आय बहाली विज्ञापन संख्या 7/2022 स्पेशल सर्वे अमीन, जिसकी बहाली की प्रक्रिया लगभग खत्म हो गई थी। मेरिट बेसिस पर बहाली का डॉक्यूमेंट जांच मैनेज हो गया, कहा यह गया कि डॉक्यूमेंट जो है वो मैनेज कर लिया गया। ये किसने जाना, किसने देखा, कौन सी संस्था, कौन सी IBCBI ने कहा कि वो मैनेज हो गया? जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई और नियमावली 7/2022 स्पेशल सर्वे सर्वे अमीन 82-44 जिस सुधार के द्वारा आप इस प्रक्रिया को जारी किए, तो फिर उसे कैंसिल करके रिटर्न का सवाल कहां से आया? डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर एग्जामिनेशन विज्ञापन निकालकर संपर्क कराना चाहती है, ये उसके लिए सरासर बिल्कुल गलत है। 82-44 की बहाली पुराने नियमावली से पूरा कराने की बात होती है, फिर पुराने नियमावली को आपने कैसे समाप्त कर दिया? एप्लीकेशन फॉर्म 22 नवंबर, 8 दिनों में सुधार करने की भी मौका मिला। 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक सब कुछ हो जाने के बाद कुछ दिनों में विभाग द्वारा काउंसलिंग लिस्ट जारी करना था। विभाग यह बोलकर कि मेरा जांच डॉक्यूमेंट एजेंसी मैनेज है पॉलिटेक्निक छात्रों के हित में नहीं था। सरकार अपनी कमी और फैकल्टी की गलत नीतियों के कारण विद्यार्थियों के करियर के साथ खिलवाड़ करना चाहती, माफियाओं के साथ मिलकर LRC बहाली को एग्जाम दिलवाकर छात्रों से वसूली करना चाहती, जो सरकार या मंत्री खुद बोलते हैं कि मेरा सर्टिफिकेट जांच एजेंसी मैनेज हो गया, उस पर कैसे विश्वास किया जाए कि एग्जाम जब होगा तो आप मैनेज नहीं होंगे? जब सर्टिफिकेट जहां मैनेज हुआ तो एग्जाम भी तो मैनेज होगा, उसी के हम हिस्से हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, एक और ANM GNM BTSC JEE डॉक्टर आयुष चिकित्सक शिक्षक बहाली सब मेरिट बेसिस पर आप करा रहे हैं, और अमीन की बहाली पूरे भारत में कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए आती है, और जब अदर कॉन्ट्रैक्ट को आप अगर रिटर्न के आप मेरिट पर लेते हैं तो फिर अमीन का एग्जामिनेशन क्यों? मैं हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहूंगा, पैसे का गंदा खेल मत खेलिए मंत्री जी, विभाग के पदाधिकारी जी, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। कल हमारी छात्र इकाई और अमीन के सारे प्रतिभावान बच्चे जिसके लिए हम लड़ते रहे, या बहाली शुरुआत पप्पू यादव की लड़ाई से हुई, सारे बच्चे आज सड़कों पर हैं, उनकी उम्र खत्म होने की तैदार पर है, ये कैसे होगा? हमें कॉलेज में जितने प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी हैं उनसे आप 8 साल 12 साल 9 साल 6 साल से लेने के बाद आप नई प्रक्रिया की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी तरफ पॉलिटेक्निक इंजीनियर डिप्लोमा जिनके बदौलत आपने इंजीनियरिंग कॉलेज की AICTC से मान्यता ली, 5 सालों से 5.5 सालों से आप इस बच्चों को आपने गेस्ट फैकल्टी का मतलब 6 महीना 3 महीना से ऊपर नहीं है, 6 साल काम लेने के बाद जब उसकी उम्र खत्म हो गई और अब खत्म हो जाएगी, वो कहीं एग्जामिनेशन में बहाल होने जाने के लिए उनके पास कोई वक्त नहीं बचेगा, आप नई बहाली प्रक्रिया की बात अब करने लगे, क्या ये रोजगार है? एक तरफ रोजगार को खत्म करना, एक तरफ आत्महत्या करने पर मजबूर करना, सब कुछ पदाधिकारी कोचिंग माफिया आयोग इन लोगों की मिली भगत से इस बिहार के मिडिल क्लास गरीब किसान टमटम घोड़ा गाड़ी रिक्शा ठेला और काश्तकार के बच्चों के जीनियस चीजों को खत्म कर उसे मारने पर मजबूर होना, ये 3-2 है, इसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि कल जो भी बच्चे लड़ना चाहते हैं, लड़ने की तैयारी करते हैं, चाहे वो BSSC का मामला हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, चाहे अमीन का, महात्मा गांधी की मूर्ति से हम लोग संकल्प के साथ आगे बढ़े, लाठी गोली खाने में पीछे ना रहे, इस संकल्प के साथ जब तक हम मरना लड़ना नहीं जानेंगे तब तक हम जीना नहीं जानेंगे। हमें दलालों से बचना चाहिए, हमें नेताओं के झूठ से बचना चाहिए। संघर्ष में जाति व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था आगे पीछे ना आए, संघर्ष हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। हम मिलकर बिहार के बच्चे एक साथ आवाज दें कि रोजगार का मतलब 6,000-3,000 रुपया नहीं, रोजगार का मतलब राजनीति नहीं, रोजगार का मतलब अस्थायी नौकरी, संविदा नहीं, नियोजित नहीं, रोजगार का मतलब रसूखदारों के लिए पैसा लेकर सिपाही में अन्य चीजों में बहाल ही नहीं, रोजगार का मतलब दुकान खोलकर सौदा करना नहीं, रोजगार का मतलब उस बच्चों की जिंदगी का निर्माण करना है जो बिहार के और देश के भविष्य के लिए दिन रात अपनी लाइफ को पढ़ाई की ओर ले जाता है।
इसीलिए कल 11:30 बजे गांधी मूर्ति से हम लोग निकले और अपनी आवाज बुलंद करें। पुनः एक बार हम लगातार रोजगार पर आपके बीच में रहेंगे, अपनी चर्चा करेंगे। मेरे पास कोई जाति नहीं है, मेरे पास दारू का कोई मतलब नहीं है, मेरे पास सुधार के लिए एक ही सवाल है, आर्थिक आजादी, शैक्षणिक आजादी, स्वास्थ्य की आजादी। हम हेल्थ और एजुकेशन को कोमल और आम आदमी के लिए कंपलसरी के साथ फ्रीडम के रूप में देखना चाहते हैं। राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर का बच्चा जिस डॉक्टर्स के साथ उसका इलाज होता है, अंतिम व्यक्ति का इलाज वैसे ही डॉक्टर्स के साथ, वैसे ही स्कूल में हमारी प्रतिभा को निखारा जाए। हम बिना बोझ के, बिना एजुकेशन और हेल्थ माफियाओं के, सरकार की व्यवस्था में हम एक निष्पक्ष जिंदगी जीना चाहते हैं, हम उसके संभाव। इसीलिए हम सब मिलकर सिर्फ रोजगार की क्रांति पर बात करें, जाति धर्म मजहब और नफरत की व्यवस्था को मिटाकर इन नेताओं के द्वारा जो इस्तेमाल किए जाते हैं पैसे दारू शराब पर, नगर निगम से लेकर एमएलए एमपी मुखिया के चुनाव तक, ऐसी व्यवस्था को ध्वंस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पुनः एक बार नए साल की आप सबको शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जय भीम, जय बुद्धाय नमः। मैं इस उम्मीद के साथ कि आने वाला साल हम सब मिलकर एक नए संकल्प के साथ नए बिहार की कल्पना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।